नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट डिवर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं ये हाफ इंच सॉकेट सेट के बारे में, जिसका ब्रांड नेम है स्टैनली। इसका जो कॉस्ट आपको आता है लगभग 3000 के रेंज में आपको ऑनलाइन पे मिलता है, और इसमें जो MRP दिया हुआ है वो 4400 का दिया है। यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशन है, मतलब इसके अंदर क्या क्या है यहाँ पे लिखा है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अभी। ये इसका बॉक्स है जो कि प्लास्टिक का है, क्वालिटी जो है टिक टाक है। ये मेट्रिक का है, MM वाला। भारत में आपको इंच वाला भी मिलता है। आपको इसे खरीदने से पहले देखना चाहिए कि ये MM का है या इंच का है। और भारत में जो 95% के नट बोल्ट वगैरह होते हैं वो आपको MM के ही आते हैं। अगर आप ऑटोमोबाइल फील्ड की बात करें तो ऑब्वियसली 100% MM ही है। इसे खोलने के लिए यहाँ पे लॉक दिया हुआ है, इसे हमें उठाना है। कुछ इस तरह का आपको दिखता है इसके अंदर। और आपको इस सॉकेट सेट में क्या क्या मिलता है इसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे। ये इसका यूनिवर्सल सॉकेट है जिसका आप इस्तेमाल करके इसका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जो है स्पार्क प्लग का 16 mm का स्पैनर दिया हुआ है जिसका लेंथ है 65 mm। ये इसका टी बार हैंडल है, स्लाइडिंग टी बार हैंडल। ये दो इसका एक्सटेंशन रॉड है, ये 125 का है, ये 250 mm का है। यहाँ पे इसका सॉकेट्स दिए हुए हैं, 10 से लेके 24 mm तक सारे हैं। उसके बाद आपको 27 का आता है, 30 का आता है और 32 का आता है। और ये इसका रैशेट है। यहाँ पे आपको क्विक रिलीज का बटन दिया हुआ है, और यदि आपको सॉकेट लगाना है तो आपको इसको दबा के ही इसको लगाना पड़ेगा। निकालने के लिए भी वही तरीका है, दबाने के बाद ये बाहर आता है। ये इसका रैशेट मैकेनिज्म है, लगाना और निकालना बहुत आसान है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो प्रोडक्ट है आपको लगभग 3000 के रेंज में आता है, और एक जो मॉडल है तपारिया का है वो 4000 के रेंज में आता है। उसमें और इसमें क्या क्या डिफरेंस है ये भी हम आपको पहले बताते हैं। उसमें आपको 16 mm का स्पैनर नहीं मिलता है, ये इतना लंबा 65 mm वाला। आपको उसमें भी यूनिवर्सल सॉकेट मिलता है, एक्सटेंशन बार वगैरह सब कुछ मिलते हैं। और आपको तपारिया के जो मॉडल है उसमें आपको 24 तक सब कुछ मिलते हैं। इसमें आपको 27, 30 और 32 मिलता है, उसमें भी आपको 27, 30 और 32 मिलते हैं। उसके अलावा आपको 26 का आता है, 28 का आता है और 29 का आता है। इसमें आपको वो तीन जो सॉकेट्स हैं वो मिसिंग है। अगर आपको चाहिए तो आप उसे अलग से ले सकते हैं। एक का जो कॉस्ट लगभग आपको आता है 150 के अंदर आता है। तपारिया जो है आपको मेटल के बॉक्स में आता है। मुझे ये पर्सनली लगता है कि इसका जो डिज़ाइन है, यानी कि स्टैनली का जो डिज़ाइन है सॉकेट बनाने का, तपारिया से बेहतर है। क्योंकि तपारिया का जो डिज़ाइन है कुछ एंगल पे आपको होता है, ये आपको पूरा है। इसका जो हेड है ये मोटा है, बारीक नहीं है। जब आप बेरिंग वगैरह बिठाते हैं तब आपका जो हैमर का फोर्स हथौड़ी में जब आप इसे मारते हैं तो इसका जो फोर्स होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है सारी जगह पे। तपारिया में आप जो हथौड़ी में मारेंगे सिर्फ बीच के हिस्से में ही मार सकते हैं, साइड में ये मटेरियल ही नहीं है उसमें। और जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में है, यानी कि ऑटोमोबाइल में काम करें, उनको ये चीज़ पता रही होगी जो मैंने अभी आपको बताई। और अब हम इसे कैसे यूज़ करते हैं, कैसे लगाते हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। अगर आपको 10 mm का एक टी स्पैनर बनाना है तो आप इस टी बार को ऐसे बाहर लेंगे, उसके बाद ये जो एक्सटेंशन रॉड है आप इसे लगाएंगे। उसके बाद आपको जो सॉकेट वगैरह लगाना है आप इसे लगा सकते हैं। और अगर आपको इसका जो लेंथ है बढ़ाना है तो आप और एक जो एक्सटेंशन सॉकेट है वो भी आप लगा सकते हैं। जो लेंथ है 400 mm है, 16 इंच तक आता है। और ये 10 नंबर का स्पैनर है जो कि आपको मार्केट में मिलता है। अब हम यूनिवर्सल सॉकेट को बाहर लेंगे और इसके बीच में हम लगाएंगे, और इसकी सहायता से आप लगभग 30 डिग्री के एंगल में आप इसे घुमा सकते हैं। ये वही मैकेनिज्म होता है जो आपकी गाड़ी के प्रोपेलर शाफ्ट में आता है और आपके स्टेयरिंग में आता है। और जो रैशेट लगाने का तरीका है वो भी वही है।
और अगर आपको इसका जो वर्किंग लेंथ होता है बढ़ाने का है तो आप इस एक्सटेंशन रॉड को यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इस सॉकेट सेट को मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और इसमें मुझे कोई फॉल्ट नज़र नहीं आए, क्वालिटी में कोई इश्यूज नहीं है। और दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है इस सॉकेट सेट के बारे में मुझे पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर रिप्लाई देता हूँ। और दोस्तों अगर आप एक DIYer हैं या एक मैकेनिक हैं या गैराज वगैरह चलाते हैं तो आपको इस सॉकेट सेट को आपके यहाँ रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कब काम पे आता है आपको पता नहीं चलता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और मैं इस चैनल में ज़्यादातर पावर टूल्स और DIY कंटेंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालता हूँ। अगर आपको वो चीज़ पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में हमारा वेबसाइट का लिंक है, आप एक बार देख लें उसे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।